अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग सबको। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही रीज़न है, मुझे कोई नेम फेम पैसे की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि भाई मैं बिग बॉस से निकाला नहीं गया। सबसे पहली बात, बिग बॉस हाउस में क्या हो रहा था वो गलत चीज़ है, उसके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई। अगर किसी में दम नहीं था तो वो लोग आवाज़ नहीं उठाए, वो लोग सलमान खान से डरते हो गए, जो भाई लोग से डरते हो गए। पहली बात ये, मैंने सलमान को जो बोला, मैंने इज्जत रखी उसकी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, उसने अपनी चीज़ बता दी कि भाई मैं भाई लोग से डरता हूँ, मैं उनका चमचा हूँ। नाम तो मैं कोई भाई से और आतंकवादी और देशद्रोही डरता हूँ और ना डरूंगा इंशाल्लाह। जुबैर खान पैदा हुआ तो सर पे कफन बांध के पैदा हुआ था। रही बात ये कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं हसीना पारकर कर रहा हूँ, भाई मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। आज तक पे 6 साल पुराना वीडियो है जिसमें मैंने, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने मेरे सास का नाम रिवील किया था। उसका वीडियो नेट के ऊपर है, जिसको देखना है जाके देख ले। और जो भी मुझ पर क्लेम कर रहा है, मैं बिग बॉस के घर में वहाँ पर 30 तारीख से चला गया, मेरा फ़ोन ले लिया गया। उसके बाद कलर्स चैनल मेरा क्या प्रोमो चला रहा है मुझे पता नहीं था, ना मुझे टीवी अलाउड था ना फ़ोन अलाउड था। और बोला गया कि भाई आप किसी से ना मिल सकते हो ना किसी से बात कर सकते हो। सबसे पहली बात, वहाँ पर मेरी गाली दिखाई गई नेट के ऊपर, जो है ना वूट के ऊपर, वो सारे मेरे फ़नी क्लिप्स दिखाए जा रहे जो मैंने बच्चों के लिए किया। मैंने गाली किसके लिए दी वो उसका रीज़न नहीं बता रहे हैं। वो अर्शी खान जैसी बदतमीज़ लड़की, उसने कुरान की आयत का बेदबी की, जिसको सलमान खान ने हमारे सामने बोला, उस कुरान की आयत की बेदबी की, नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तेरा हो सत्यानाश, नास नास, ऐसा कहा। दूसरा वो जो साध्वी शिवानी जी है, उनके बारे में बहुत गलत बातें बोली। जिसको जाना है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, पूरी जाके रिकॉर्डिंग जितने दिन पहले तारीख से या 30 तारीख से जो शुरू हुआ है इसको, पूरी रिकॉर्डिंग चेक करना वहाँ पे कि क्या क्या बोला गया। 150 कैमरे लगे हुए हैं। सलमान खान को क्या हक होता है? सलमान खान को ऊपर से भाई लोग का प्रेशर आया, तभी उसने ऐसी बदतमीजी की, उसने ऐसा हरकत की। भाई तू क्या करता है? तू गालियां नहीं देता, तेरे वीडियो सारे वायरल है, तू कितनी गालियां देता है? तू घर में नहीं गाली, हर इंसान कोई दूध का धुला नहीं है, मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, एक्शन का रिएक्शन होता है। अर्शी खान ने खाने में थूका, लोग हमारे सबके खाने में थूका, उसने कुरान की आयत की बेद भी की। वहाँ पर विकास गुप्ता जो है वो गे है, उसको उसको गुड़ गुड़ गे गे करके, तो मैंने लोगों के लिए स्टैंड लिया एक गंदी औरत के खिलाफ। भैया अगर कोई दूसरा होता तो बहुत कुछ करता, मैंने तो सिर्फ बोलते हैं ना अपशब्द यूज़ किए, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे को उस लड़की के लिए और बिग बॉस के लिए नहीं। कलर्स चैनल ने मेरी इमेज ख़राब की है, कलर्स चैनल ने मुझे यूज़ किया है टीआरपी के लिए। भैया मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं वहाँ पे फेम के लिए नहीं है। जिस तरह सलमान खान ने कहा कि भैया तू फेम के लिए आया है, बच्चों के लिए आया, मैं आज भी मेरे रिश्ते मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ ना मैं एक पुलिस कंप्लेंट करूँगा, जो मुझे 10 महीने से मेरे बच्चों से दूर रखा गया, मेरी माँ से बात नहीं करवाई गई, किसी से बात नहीं करा, ना मुझे मेरी वाइफ से मिलने दिया गया, मैं उनके खिलाफ ना एफआईआर करूँगा ना कोर्ट में जाऊँगा। जैसे सलमान खान ने कहा, जो मेरे ससुराल वाले बोलते हैं वैसा ही उसने कहा, पुलिस के पास जाओ, बिग बॉस में क्यों आओ? अरे भैया मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया बगैर पुलिस इसके भी आप प्यार मोहब्बत से बच्चों के लिए कर सकते हो। और बिग बॉस वालों ने मुझे अप्रोच किया, मैं नहीं गया था, उन्होंने मुझसे वीडियो मंगवाया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। भाई जिसको ऐसा लगता है जुबैर खान गलत है, वो जिसको जो सोचना है वो सोचो। वह तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा बेदिकल खैर इन नकाला कुल्लिशन खतीर, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, बेशक अल्लाह हक का साथ देता है और अल्लाह हक का साथ देगा। मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं किसी भाइयों से, ना देश के आतंकवादियों से डरता। सलमान खान के फोटो है भाई, जो भाई लोग के साथ में, उसके उस सबको पता है उसकी फिल्मों में किसका पैसा लगता है। उसकी चोरी चोरी फिल्म आई थी जिसके इसमें भरत शाह जैसा बहुत बड़ा फाइनेंसर अंदर गया, जिसमें किसका पैसा लगा हुआ था पूरी दुनिया को मालूम है। तो भाई मैंने जुबैर खान एक छोटा सा मामूली आदमी है, तुम लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने वो प्लेटफॉर्म को यूज़ किया अपने बीवी बच्चों के लिए। भाई मैंने अपने जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं, मैं अपने ईमान को बेच के कहीं नहीं रहूंगा। और पूरी दुनिया को ये बताता हूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कलर्स वालों ने करवाया, मुझे घर बैठे बिग बॉस आने के बाद भी हर महीना मेरे अकाउंट में पैसे आते। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और मुझे पब्लिक हॉस्पिटल की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर पुलिस भी आई, पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया, मैं फुल बोलते हैं ना गोलियों के रिएक्शन में था, उन्होंने मुझे रातों रात घर पे लाके यहाँ पे ड्रॉप किया।
हॉस्पिटल में 2 से 3 बार बिग बॉस की कलर्स की टीम आई कि भैया सलमान भाई आपको सेट पे घर में बुला रहे हैं। मैंने कहा सलमान भाई अपोलोजाइज करेंगे, क्योंकि मैंने कहीं ये स्टेटमेंट नहीं दिया मैं किसी का, ये हूँ, ये पेपर में छपा है।